शंकरन पिल्ले वो बार में बैठकर शराब पी रहे थे और हर दिन वो अपने काम पर देरी से पहुंचते थे। बॉस आग बबूला हो गया, आप निकाले जा चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि आने वाले इस साल में आप सब लोग इस बुनियादी पहलू पर गौर करेंगे। आप सचेतन रूप से ये निर्णय कर सकते हैं कि मैं कैसे रहूंगा। इस धरती पर एक इंसान के रूप में केवल आप ही हैं जो ऐसा करने में सक्षम हैं। आइए इसे संभव बनाएं। तो सद्गुरु, ये साल समाप्त होने वाला है, मैं अपने अगले साल के लिए क्या प्लान करूं? मैं चाहता हूं कि आप इस पर विचार करें। देखिए, मैं अभी जो कहने जा रहा हूं उसमें आपका जबरदस्त फायदा है, आप बहुत लंबा जिएंगे। वो ये है कि मैं चाहता हूं कि आप 24 घंटे को एक साल मानकर चलें। हेलो, तो अब जब आप सोने जाएंगे तो वो भी एक महान उत्सव होगा हर दिन, क्योंकि आप हर दिन को एक साल की तरह ले रहे हैं। ये समय का एक चक्र है, ये पक्का है। शायद मैं नहीं जानता, चींटी या केंचुआ या कोई और, हो सकता है कोरोना भी, तो ये वायरस जो भी है, संभवतः है ये 24 घंटे को एक साल गिन रहा है। और भी कई जीवन रूप इसी तरह से जीवन का अनुभव करते होंगे। जैसे कि लोग कुत्ते के लिए कहते हैं कि कुत्ते का एक साल इंसान का 10 साल है, या इंसान के 10 साल कुत्ते का एक साल है, जो भी गणनाएं हमारे पास हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप हर दिन को एक साल के रूप में गिनें। बड़ा उत्सव होगा। हर दिन आपको नए साल के दिन जैसा महत्वपूर्ण क्यों नहीं लगता? मैं बस आपसे यही पूछना चाह रहा हूं। हर दिन जो पूरी दुनिया में इतने शानदार तरीके से शुरू होता है, एक भव्य सूर्योदय होता है, वैसे बहुत कम लोग ही इसे देखते हैं, बाकी लोग अपने फोन स्क्रीन पर देखते हैं। इसका एक फायदा यह है कि जब आप चाहें आपके फोन में सूर्योदय हो जाता है। तो जब हर रोज सुबह इतनी शानदार घटना घट रही है, तो फिर ये एक नई शुरुआत क्यों नहीं है? हर दिन एक नई शुरुआत है। सदगुरु, आप बिगाड़ रहे हैं, हम एक उत्सव की तैयारी कर रहे थे और आप इसे बिगाड़ रहे हैं। नहीं, मैं कह रहा हूं कि 1 जनवरी भी वही चीज है, ये भी उत्सव मनाने के लायक है। लेकिन मैं कह रहा हूं, हर दिन जो इतने भव्य तरीके से शुरू होता है, वो उत्सव मनाने के योग्य है। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि आपका दिमागी चक्र स्थिति में है कि इसे बहुत सारा स्पोर्ट, तैयारियां और भी बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है। तो ये हुआ। शंकरन पिल्लई ने ऐसे ही एक सत्संग में भाग लिया और उन्होंने इसे गंभीरता से ले लिया, और हर दिन शाम को वो बार में जाकर शराब पीते और हर दिन अपने काम पर देरी से पहुंचते और उनका बॉस बस उनको निकालने ही वाला था। वो उनसे तंग आ चुका था, वो उन्हें कितनी बार बोल चुका था, लेकिन वो हमेशा 1 या 1.5 घंटे देरी से ही आते थे। और फिर उनका एक दोस्त था जो उनका बार में सहयोगी था। नहीं, जब आप नियमित रूप से ऐसी कोई चीज करते हैं तो वो आपके सहयोगी बन जाते हैं, नहीं तो वो आपके बस दोस्त होते हैं, ठीक है? लेकिन वो आदमी बिल्कुल समय पर ऑफिस पहुंच रहा था। तो शंकरन पिल्लई बोले, तुम ये कैसे कर लेते हो? हम दोनों एक ही समय पर घर जाते हैं, हम दोनों एक बराबर शराब पीते हैं, लेकिन तुम हमेशा ऑफिस समय पर पहुंचते हो। तो उनका दोस्त बोला, मैं क्या करता हूं, देखो आमतौर पर हम लोग 12 बजे घर जाते हैं, मैं तुरंत सो जाता हूं, फिर मैं रात को 2 बजे जागता हूँ, विस्की का एक और शॉट लेकर फिर से सो जाता हूँ, 4 बजे मैं फिर जागता हूँ, विस्की के 2 और शॉट लेता हूँ और फिर सो जाता हूँ, और फिर जाकर मैं 8 बजे जगता हूँ और 9 बजे ऑफिस पहुंच जाता हूँ। शंकरन पिल्ले सोचे, मुझे भी ऐसा करके देखना चाहिए। फिर वो गए और वैसी ही कोशिश की और वो चकित रह गए। 8:30 उनकी नींद खुली और वो सीधा ऑफिस के लिए भागे और 9:30 से थोड़ा पहले ही पहुंच गए। बॉस आग बबूला हो गया, उसने कहा, अब बस बहुत हो गया, आप निकाले जा चुके हैं।
उन्होंने कहा, क्यों? हर दिन मैं 1-1.5 घंटा लेट आ रहा था, आज तो मैं बस 27 मिनट ही लेट हूं। 27 मिनट से तुम्हारा क्या मतलब है? तुम सोमवार, मंगलवार और बुधवार को कहां थे? तो आप उन सभी 364 या 3 दिन तक कहां थे? और अचानक अब उत्सव मनाने के मूड में हैं। हर किसी को खुद से यह सवाल पूछना चाहिए कि ऐसा क्यों है कि आप इन 364 दिनों तक उत्सव नहीं मना रहे थे, केवल 1 दिन का आप उत्सव मनाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ये कहने की कोशिश नहीं कर रहा हूं कि आप कभी खुश ही नहीं थे, इस साल आप कभी भी आनंदित ही नहीं थे, बल्कि मैं ये कह रहा हूं कि ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जीवन की प्रकृति ऐसी है कि ये लुढ़कता जा रहा है। नए साल का मतलब यही है, यही कि ये आपके लिए रुक नहीं रहा है। चाहे आप घर में कैद रहे हों, या ऑफिस में कैद रहे हों, या गटर में कैद रहे हों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। समय बीतता जा रहा है, समय बीत रहा है, यानी जीवन बीत रहा है। तो जब जीवन की प्रकृति ऐसी है कि समय एक निरंतर चलती रहने वाली चक्की है, समय को देखने का एक अलग तरीका है। The most important thing is that a human being has to learn to be still. So if I don't do anything, will it be useful? सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि मानव को स्थिर होना सीखना होगा। तो अगर मैं कुछ भी ना करूं तो क्या काम चलेगा? आपको वाकई इस पर गौर करने की जरूरत है कि इस पूरे साल आप बिजी थे या सोच में डूबे हुए थे। आपको लगता है कि आपके दिमाग में ज्यादा ख्याल आ रहे हैं तो आप बिजी हैं। नहीं, आप बिजी नहीं हैं, आप बेकार हो चुके हैं। एक अक्लमंद विचार पैदा करने के लिए आप 10,000 विचार पैदा कर रहे हैं, यही अक्षमता है। एक विचार जिस पर आपको काम करने की जरूरत है, आपको बस इतना ही चाहिए। आपको उस तक पहुंचने के लिए 10,000 विचारों की जरूरत क्यों होती है? कुल मिलाकर अगर कभी भी आप उस तक पहुंचते हैं तो ये अयोग्यता है। इसे बिजी होना मत कहिए, ये बस चिंता मग्न रहना है। ये सोच में डूबे रहना अब एक वैश्विक घटना बन गई है, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं कि कैसे कैसे बैठें, कैसे सांस लें, खुद को कैसे संभालें, क्योंकि शिक्षा व्यवस्था में ये चीज कहीं है ही नहीं। उन्होंने आपसे कह दिया कि अगर आप प्रोटीन, विटामिन ये खाएंगे तो आप बहुत अच्छे रहेंगे, हर चीज बढ़िया रहेगी। हाँ, स्वाभाविक है कि आप जीवित रहेंगे, लेकिन अगर इंसान होने की क्षमता को आप सही मायनों में जानना चाहते हैं, अगर आप अपनी मानवता को निखारना चाहते हैं, अगर आप अपनी जीनियस को प्रकट करना चाहते हैं, तो आपको ऐसी जगह की जरूरत है जहां बाहरी चीजें वाकई प्रवेश न कर पाए। अपने भीतर आपको एक जगह चाहिए जहां पर केवल ये हो, दुनिया आपके चारों ओर हो। असल में दुनिया आपके चारों ओर ही होती है, यह आपके अंदर नहीं होती, लेकिन ज्यादातर लोगों के लिए ये अंदर होती है। वो अपनी आंखें बंद कर लें तो वो उनको अंदर से पागल कर देगी। सो दिस इज बिकॉज नथिंग हैज बीन डन, नो वर्क हैज बीन डन ऑन सच अ फेनोमेना ऑफ अ मशीन। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि कुछ किया ही नहीं गया है। ऐसी जटिल मशीन पे कोई काम नहीं किया गया है। ये मशीन इस धरती की सबसे जटिल तकनीक है और इसके बारे में कुछ नहीं किया गया है। यहाँ तक कि लीवर्स खोजने के लिए, या अब कीबोर्ड भी नहीं कह सकता, टच स्क्रीन, किससे क्या होता है, किसी तरह से। तो अपनी सुविधा के लिए दुनिया को ठीक करने की कोशिश में हम उस स्थान पर पहुंच रहे हैं जहां हम अपने अस्तित्व के स्रोत को ही तबाह करने लगे हैं, और ये उससे कहीं अधिक खतरनाक है जितना लोग अभी इसे सोच रहे हैं। शायद हम प्रत्यक्ष रूप से भागीदार हों या शायद प्रत्यक्ष रूप से भागीदार ना हों, लेकिन इस दुनिया की हर वो चीज जो इंसानों द्वारा की जाती है, और हर वो चीज जो हो रही है या जो नहीं हो रही है, उसके लिए हम 100% रिस्पॉन्सिबल हैं, क्योंकि चेतना का मतलब यही होता है और इंसान होने का मतलब भी यही होता है, क्योंकि
बाकी सभी जीवों की संरचना इस तरह से है कि वो पहले से ही तय है कि वो क्या हैं। इस धरती पर केवल इंसान ही ऐसा है जिसका जीवन तय नहीं है, और इसी को बहुत सारे लोग भुगत रहे हैं। वो निर्धारित चीजें चाहते हैं, यही वजह है कि वो खुद को किसी दर्शन, किसी विचारधारा, किसी धर्म या किसी मत के साथ जोड़ कर रखते हैं, क्योंकि खुद को वो एक सीमा में रखने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इंसान होने की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि ये पहले से तय नहीं है। ये पहले से तय नहीं है यानी ये स्वतंत्र है, इसका मतलब यही है। लेकिन स्वतंत्रता एक डरावनी चीज है। आप चार दीवारी में रहना चाहते हैं क्योंकि स्वतंत्रता डरावनी लगती है, लेकिन अनजाने ही हमेशा आप उसी को खोजते रहते हैं, और जब वो आती है तो आप डर जाते हैं। इस चीज को संबोधित किया जाना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आने वाले इस साल में आप सभी इस बुनियादी पहलू पर गौर करेंगे। आर यू लिविंग टू बी फ्री, टू बी लिबरेटेड, और आर यू लिविंग जस्ट टू एस्टैब्लिश मोर एंड मोर बॉन्डेज इन योर लाइफ? आप स्वतंत्र होने के लिए, मुक्त होने के लिए जी रहे हैं, या आप जीवन में बस अधिक से अधिक बाधाएं खड़ी करने के लिए जी रहे हैं? तो ऐसे समय में या उस मामले में किसी भी समय में एक बुद्धिमान इंसान हर स्थिति को अपने विकास के लिए उपयोग करेगा। एक मूर्ख हर स्थिति को अपने खिलाफ कर लेगा और अपने आसपास हर किसी के लिए तकलीफ पैदा करेगा। यहाँ जीवन में बस इतना ही है कि आपका दिमाग जीवन के लिए काम कर रहा है या जीवन के खिलाफ काम कर रहा है। तो अगर आपने पूरा साल मूर्खतापूर्ण जिया है और अब अचानक कल सुबह आप एक संकल्प के साथ जागेंगे, नहीं, आपको प्रयास करना होगा। लेकिन साथ ही इंसान अपना मन बना सकता है। अगर आप इस तरफ जा रहे हैं तो आप अपना मन बना सकते हैं और उस तरफ जा सकते हैं। आपके पास ऐसा करने की क्षमता है। मैं बता रहा हूं, एक इंसान के रूप में इस धरती पर केवल आप ही हैं जो ऐसा करने में सक्षम है। बाकी सभी जीव अपने भीतर अस्तित्व द्वारा पहले से तय की गई सीमाओं से ही संचालित होते हैं। वो केवल वही कर सकते हैं जिसके लिए उनमें प्रोग्रामिंग की गई है। केवल यही एक ऐसा है जो विशाल रूप से बिना प्रोग्राम के है। तो आप अपना मन बना सकते हैं। आप सचेतन इसका निर्णय कर सकते हैं कि मैं कैसे रहूंगा। ये कोई छोटा सौभाग्य नहीं है, यह सबसे बड़ा सौभाग्य और स्वतंत्रता है जो कि इस धरती पर इस जीवन को सौंपा गया है। आइए इसे संभव बनाएं।